हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पटना ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशन पर। आप सब लोगों को पता है कि पटना ग्रीन एनर्जी एक एप्लीकेशन था, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन था, जो कि बहुत ही बढ़िया किस्म का जो है ना प्लेटफॉर्म था, और उसने हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें प्रॉफिट देखने को मिला। काफ़ी लंबे समय तक वो चली, हालांकि इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो होती है वो ठीक है, 3 मंथ 4 मंथ बहुत मुश्किल से, कोई बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन जो होता है वो भी बड़ी मुश्किल से चलती है, लेकिन पटना ग्रीन एनर्जी जो एप्लीकेशन था ठीक है वो 1 साल चला था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा जो है ना डूबा भी था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया भी था। फॉर एग्जाम्पल, ये एक उसका अकाउंट ओपन है मेरे पास अभी भी ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए एक जो है ना खुशखबरी है कि पटना ग्रीन एनर्जी जो है ना वो एप्लीकेशन जो था ठीक है वो जैसे ही क्लोज हुआ था तो उसके बाद उनका न्यू एप्लीकेशन आया था इन्वेस्ट हब नाम से ठीक है। तो इन्वेस्ट हब बेसिकली जो है ना उसके बारे में बता देता हूँ ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट भी लिया, और उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ ठीक है। तो इन्वेस्ट हब एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्वेस्ट हब जो एप्लीकेशन है ठीक है वो फ्लॉप हुआ। फ्लॉप इस वजह से हुआ क्योंकि बेसिकली वो जो था वो पटना ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशन के जितना ही चलने वाला था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स ये हो गया कि उसमें जो जो प्रोजेक्ट है ठीक है वो डॉलर्स में था। तो पटना ग्रीन एनर्जी में जो काफ़ी सारे लोग थे उनकी टीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई। फॉर एग्जांपल, ये एक नॉर्मल से मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसकी आप टीम देख सकते हो, इसकी जो जस्ट टीम है ठीक है वो 124 मेंबर की टीम है, और इसने जो इन्वेस्ट किया था वो जस्ट कितना किया था, 808 रुपये इन्वेस्ट किया था, और इसके जो आप लोग बैलेंस में देख सकते हो ठीक है वो कितने 12,000 रुपये इसके बैलेंस में पड़ा है। मतलब ये कि पटना ग्रीन में जो टीम का सिस्टम था ठीक है वो बहुत बढ़िया था, लेकिन इन्वेस्ट हब में जो टीम का सिस्टम था उसमें प्रॉफिट तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन उसमें बात ये थी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का लॉस इसलिए क्योंकि उसमें टीम की ग्रोथ नहीं हो पाई। जब किसी भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन में जब टीम की ग्रोथ नहीं हो पाती तो उसके बाद वो समझो कि वो इतना ज़्यादा समय नहीं चल पाती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो है ना वो 2-3 बेसिस पर चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो होते हैं उनका पहला जो होता है पर्पस ठीक है वो होता है कस्टमर पर ठीक है, वो कस्टमर पर फोकस करते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो और उनका कोई भी बड़ा प्लान ना आए। लेकिन इन्वेस्ट हब एप्लीकेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि ठीक है उनका जो बड़ा प्लान था वो एक तो स्टार्ट में आ गया, काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और दूसरे नंबर पर यह होगा कि उसमें डॉलर्स में सिस्टम था तो काफ़ी सारे लोगों को डॉलर्स में का नहीं पता होता, तो उसमें कस्टमर की टीम बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाई, और वो एप्लीकेशन जो था ठीक है वो जस्ट 4 मंथ ही चल पाया, उसके बाद जो है ना वो एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो गया। पटना ग्रीन एनर्जी और इन्वेस्ट हब के इसमें कस्टमर का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, और क्योंकि पटना ग्रीन के काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स अभी भी हैं तो इसलिए उन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट लाया ठीक है। इसमें कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसमें ये होगा कि ये एक ना तो 3 मंथ चलने वाला काम है ना 4 मंथ चलने वाला काम है ठीक है, ना ही कोई 1 साल चलने वाला काम है ठीक है। जैसा ये बताया जा रहा है ठीक है, इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय चलेगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट है ठीक है। तो जो न्यू प्रोजेक्ट आया ठीक है उसका नाम स्काई ट्रेडिंग है, और वो जो स्काई ट्रेडिंग है ठीक है वो ट्रेडिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे लोग ठीक है इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन किसी को भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर भी है जिनको प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही ट्रेडिंग कर देते हैं, उनको नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है और अपना पैसा जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह है कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत ज़्यादा है ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हो तो उसमें इतना पैसा है कि बड़े से बड़े जो कोई बिजनेसमैन है ठीक है वो भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना ट्रेडर लोग एक दिन में कमा लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट है उतना लॉस भी है, क्योंकि ट्रेडिंग में 50-50% होता है, अगर आपको प्रॉफिट के चांसेस हैं तो आपको साथ में लॉस के चांसेस भी होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेडिंग से डरते हैं और वो जो है ना अब ऐसी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि 2 मंथ 1 मंथ, कुछ कुछ एप्लीकेशन जो ऐसी होती है जो कि 1-2 वीक के अंदर ही भाग जाती है ठीक है। आज आपने अपना 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कल एप्लीकेशन भाग गई ठीक है, आपका सारा का सारा उधर वेस्ट हो गया। तो इसलिए लोग जो है ना वो अपना एक दिन के अंदर पैसा डबल करने जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी वो निकल लेते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्ट हब और पीजी के जो न्यू प्रोजेक्ट है स्क्वायर ट्रेडिंग उसके बारे में। तो इनका जो प्रोजेक्ट ठीक है ये अभी अभी एशिया में लॉन्च हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि अभी जो है ना जस्ट ये वाला जो प्रोजेक्ट ठीक है इसके आप अगर फेसबुक पर आकर सर्च करते हो स्क्वायर ट्रेडिंग ठीक है तो आपको ये पेज इनका ऑफिशियल पेज देखने को मिलेगा, जिसमें
आप लोग ये जो है इनकी डेली की पोस्ट देख सकते हो, ठीक है, कि कस्टमर ने कितना इन्वेस्ट किया और उससे कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी आप लोग चेक कर सकते हो इसमें। और बाकी अगर आप लोग इसका टिकटॉक पर आकर देख जाते हो, बाकी टिकटॉक पर भी आप आकर सर्च कर सकते हो, ठीक है, स्काई ट्रेडिंग, तो टिकटॉक पर इनकी जो ऑफिशियल आईडी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंस्टा पर भी आपको इनका स्काई ट्रेडिंग आपने सर्च करने। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग इनका जो प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम कैसे ऐड हो सकते हैं, किस तरह हम इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है, किस तरह हमें प्रॉफिट होगा, कैसे सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे और किस तरह कितना सिग्नल्स का इनकी एक्यूरेसी है, ठीक है, और इनके कितने सिग्नल्स प्रॉफिट में जाते हैं, उसके बाद जो है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो है ना मैं इनकी जो स्काई ट्रेडिंग का जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है, वो मैं लगा देता हूँ। आप लोग ये वीडियो वॉच करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आइए वीडियो करते हैं ये पर, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जो है ना वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।